येलो ग्रीन मजेंटा ऑरेंज ट्रांसपेरेंट येलो मेरी शर्ट ब्लू ये टेबल ब्राउन हर चीज का कोई ना कोई रंग है। सोचे क्या ऊर्जा का भी कोई रंग होता है। अरे भाई मैंने ये थोड़ी पूछा कि कोयला काला क्यों और पेट्रोल कलरलेस क्यों होता है। सोचिए क्या ऊर्जा का कोई रंग है, क्या वो साफ या मैली हो सकती है। बहुत सीरियस और साइंटिफिक सवाल है, सोच के बताइए। क्या आपको समझ में आया ऊर्जा का रंग या फिर ये कि वो साफ हो सकती है कि नहीं। दीपिका ऊर्जा एनर्जी और वो भी साफ या मैली और ऊपर से रंग भी, एज इफ ऊर्जा भी किसी रंग की हो, लाल पीले नीले या हरे रंग की। हाँ, हरा हरा शिवम हरा रंग समझ में नहीं आया हरा। ओ ग्रीन एनर्जी ग्रीन एंड क्लीन। हवा चलती है चीजों को घुमा देती है उड़ा ले जाती है, मतलब हवा भी एक एनर्जी। इसी विंड एनर्जी को यूज करके हम तैयार हैं एक मजेदार रेस के लिए। अब विंड एनर्जी से हमारी सड़कों पर भले ही गाड़ियां ना दौड़ें, लेकिन विंड मिल्स तो बना ही लिए गए हैं। विंड मिल्स जिनके घूमते पंखे बहती हवाओं की ऊर्जा को इलेक्ट्रिसिटी में बदल सकते हैं। विंड मिल से बिजली बनती है तो कोई प्रदूषण नहीं होता और हवा का बहना कभी खत्म भी नहीं हो सकता। दूसरी तरफ है कोयला पेट्रोल केरोसिन डीजल और लिक्विड पेट्रोलियम गैस LPG। ये सभी एक तरह के फ्यूल्स हैं, फॉसिल फ्यूल्स, करोड़ों साल पहले मरे हुए पौधों और जानवरों के जीवाश्मों से बने ईंधन। ये नॉन रिन्यूएबल हैं, खत्म हो रहे हैं और प्रदूषण का कारण भी। सौर ऊर्जा ये भी एक ऐसा स्रोत जो कभी खत्म नहीं हो सकता, इसीलिए सौर कुकर पर खाना बनाना समझदारी है। और पानी की ऊर्जा भी वातावरण को हानि पहुंचाए बिना यूज की जा सकती है। ऐसा ही होता है जब हम लगाएं दिमाग और खेल खेल में सीखें साइंस। पानी की ऊर्जा किस तरह हमारी पंचक्की को घुमा रही है और देखिए कितने मजे में वजन को ऊपर उठाने का काम कर रही है। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनाने में टर्बाइंस ऐसे ही घूमते हैं और जब टर्बाइंस घूमते हैं तो बनती है बिजली।